हेलो हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में देख रहे हैं, मैंने आपके सामने एक सेट लेकर आया सैमसंग B110। ऐसा कई प्रॉब्लम आया, मैंने सॉल्व किया, लेकिन सोचा इस पर एक वीडियो बना दूँ। ये रिंग नहीं प्ले कर रहा है, साउंड नहीं आ रहा है, ठीक है? तो इसमें ईयरपीस में भी आवाज़ नहीं आएगी। ये मॉडल नंबर है, रिंगर चेंज करके देखा जा चुका है, चेक भी किया गया है। तो रिंगर एक बार ज़रूर चेंज कर लें, क्योंकि ये कंटिन्यूटी बताता है, जब स्टार्ट रहेगा तभी बीप की आवाज़ आएगी और सही रहेगा तब भी। तो एक बार चेंज करके देख लें, जो कि देखिए बीप की आवाज़ आ रही है, 12-13 बता रहा है रजिस्टेंस, यानी बीप की आवाज़ आ रही है। तो अब टिप्स को कोल्ड टेस्टिंग से चेक करते हैं, तो मैं आपको चेक करके बताता हूँ कि ये सही है कि नहीं। देखिए यहाँ बीप की आवाज़ नहीं आ रहा, रजिस्टेंस भी नहीं आ रहा है, तो ये ओपन है, ये वाला इस पर नहीं आ रहा। ये देखिए, इस पर रजिस्टेंस बता रहा है, बीप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, यहाँ रजिस्टेंस बता रहा है, क्योंकि रजिस्टेंस 410 ऐसे कुछ बता रहा है। ये बीप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, अगर बीप आए तो 60 है। ये डायोड से इसका ट्रैक जो है पैरेलल में डायोड से लग किया गया है, स्विचिंग आईसी में, वो जो ऑडियो स्विच करता है। तो ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ कंटिन्यूटी ओके बता रहा है, और इस पे ओके बता रहा है। ये बीप की आवाज़ देनी चाहिए, ठीक। मतलब यहाँ से टिप से लेके डायोड तक जो है ये ट्रैक बरोबर है, आ रहा है, यानी डायोड से जो है वो आईसी से जो पतरे के नीचे वहाँ तक जो गया है वो ओपन है, उसमें से जो ये दोनों बराबर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ जो ये पतरे के नीचे है, टीन के नीचे, इसके नीचे जो स्विचिंग आईसी जो ऑडियो स्विच करता है, मतलब हैंड फ्री जब करते हैं तब, ऑडियो जब लाते हैं तब, ये आईसी जो है उसको स्विच करता है, ठीक है। तो ये देखिए, इसका रेजिस्टेंस यहाँ कंटिन्यूटी बताना चाहिए, ठीक है, ये कंटिन्यूटी है, ठीक है, 38-32 ये। और यहाँ देखिए, ये नीचे से पहला, ये देखिए यहाँ से यहाँ कंटिन्यूटी बताना चाहिए, ठीक है, लेकिन नहीं बता रहा। ये देखिए रेजिस्टेंस बराबर बता रहा है, ठीक है, कंटिन्यूटी नहीं बताना चाहिए, बीप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये रेजिस्टेंस बताना चाहिए, बीप नहीं आना चाहिए, बीप मतलब 60। और अगर 100 के नीचे दोस्तों आता है, 100 के नीचे, जैसे 30-40-50-60, तो इसमें बीप की आवाज़ आनी चाहिए, आती है। 100 के ऊपर जाएगा तो ये सीधे समय, 100 के ऊपर सीधे जो है वो रेजिस्टेंस माना जाएगा। तो ये देखिए, ये मैंने कंफर्म करा दिया, यहाँ देखिए ये रेजिस्टेंस सेम यहाँ भी है, उधर भी मिल रहा था। ये देखिए रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है, यहाँ देखिए रेजिस्टेंस मिलेगा नीचे वाले से पहला, ये देखिए सेम रेजिस्टेंस यहाँ मिल रहा है, यानी ये रेजिस्टेंस वहाँ टिप से मिलना चाहिए। तो इसका ट्रैक जो है यहाँ से डायोड तक जो ट्रैक गया ओपन है, डायोड से टिप तक जो ट्रैक है वो सही है, ये ट्रैक तो सही है। इधर से हमको जम्पर करना है इस टिप्स पे, आप डायोड पे भी जोड़ सकते हैं या टिप से भी जोड़ सकते हैं। तो चलिए मैं जम्पर करके दिखाता हूँ आपको, फिर जो है उसको मैं दिखा दूंगा एक बार जम्पर करके कि किस पे मैंने जोड़ा है वायर को, जम्पर वायर को। अगर आपको शायद न दिखे, हो सकता है तो आप वीडियो पॉज कर कर जूम करके देख लें। वैसे मैं कोशिश करूँगा आपको कि जम्पर दिखाने का, कि मैंने किस लेग पे जोड़ा है उस आईसी के, ठीक है दोस्तों। तो मैंने जम्पर जो है मैं जोड़ के फिर आपको दिखा रहा हूँ। तब तक दोस्तों, अगर आप वीडियो पे, सॉरी चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। देखिए मैंने नीचे से पहले लेग को जोड़ा है, तो इसको आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, और फिर इसको वायर को फोल्ड करके आप टेप ज़रूर लगा दें। जब भी बारीक जम्पर करें तो उसको टेप ज़रूर लगा दें, ताकि अगर गलती से वायर आपसे खिंचाता है, उखड़ता है, तो ट्रैक लेके ना उखड़े या आईसी का लेग लेके ना उखड़े, क्योंकि बहुत छोटे जो लेग रहते हैं वो उखड़ने जरूर उखड़ जाते हैं, तो फिर काम बढ़ सकता है, ठीक है। तो इसको बाईपास करके आप जो है ऐसे जगह से ले जाए जहाँ बैठाने में प्लेट को बोन में कटे मत वायर। अब ये देखिए रेजिस्टेंस, ये नीचे वाले में इस पर नहीं बता रहा था, तो इस पर हम जो है पेस्ट लगा के और सोल्डिंग आयरन से इसको सोल्ड कर देंगे साइड में, थोड़ा सा पूरा वो नहीं करेंगे, पूरे टिप से नहीं करेंगे, क्योंकि रांगा जहाँ लगता है सोल्डिंग आयरन, वहाँ कार्बन ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस चेक कर, देखिए यहाँ भी वही रेजिस्टेंस आने लगा, ठीक, इधर भी वही आने लगा, बराबर दोनों तरफ रिंगर के दोनों टिप पे दोनों सेम रेजिस्टेंस मिलना चाहिए, ईयरपीस के टिप से भी सेम रेजिस्टेंस मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये चलिए अब मैं इसको ऑन करता हूँ और आपको चेक कराता हूँ कि ये जो है रिंग कर रहा है कि नहीं। देखिए ऑन होने पे भी रिंग कर रहा करता है, शायद हो सकता है आपको ना सुना रहा हो, लेकिन चलिए सेटिंग से मैं जो है इसको जाके प्रोफाइल में रिंग प्ले करके, रिंग टोन में आपको प्ले करके मैं दिखा देता हूँ कि रिंग कर रहा है या नहीं, काम बना या नहीं। तो ये मैं देखिए रिंग बजने लगा है, ठीक है, तो ये रिंग प्ले हो रहा है, तो
ईयरिंग होने लगा, तो इस तरह आप जो है कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया। अगर पसंद आया इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस